सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे फाइव अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसमें के शामिल है एरोप्लेन से गिरता हुआ लड़का और श्रीदेवी में आया आत्मा। तो इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन। तो एक बार की बात है, जब सिडनी से टोक्यो जा रहे प्लेन से एक 14 साल का लड़का नीचे गिर गया था, आप देख सकते हैं। अब आप सभी ये सोचते होंगे कि ये लड़का आखिर प्लेन से नीचे कैसे गिरा। तो बात यह है कि ये लड़का प्लेन के व्हील के नीचे छिपकर टोक्यो जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो जा नहीं पाया, वो रास्ते में ही नीचे गिर गया। और इस फोटो को एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे का लेंस चेक करते हुए गलती से खींचा था। फैक्ट नंबर टू। तो क्या आपको पता है कि भारत में अगर कोई लड़का किसी लड़की को या कोई अंकल किसी आंटी को 14 सेकंड के लिए भी घूरता है, मतलब कि यू, तो उसे आईपीसी के सेक्शन 294 और 509 के तहत जेल भी हो सकती है। तो मैं इस बात पर सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि लड़के भाई लोग, लड़कियों को यू ना घूरो, क्या पता ये न्यूज़ उस लड़की के पास जा चुकी हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर थ्री। क्या आप जानते हैं कि जब दिव्या भारती की मृत्यु हुई थी, उस समय लाडला फिल्म की 70% शूटिंग हो चुकी थी, जिसके बाद श्रीदेवी को उस फिल्म में लिया गया था। इसमें अजीब बात यह है कि जिस डायलॉग को दिव्या भारती नहीं कर पा रही थी, उसी डायलॉग को श्रीदेवी भी नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद कुछ तंत्र मंत्र पूजा पाठ हुई, फिर फिल्म की शूटिंग पूरी हुई थी। है ना डराने वाली बात। फैक्ट नंबर फोर। दक्षिण भारत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी कि उन्होंने 1782 में एक लकड़ी का टाइगर बनवाया था, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक टाइगर अंग्रेज को मार रहा है, आप देख सकते हैं। और ये 200 से ज़्यादा ईयर्स के बाद अभी भी है, मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा नफरत। फैक्ट नंबर फाइव। तो फैक्ट नंबर फाइव ये है कि आप इंडियन सराइस एक्ट 1867 के अनुसार किसी भी होटल में पानी या फिर वॉशरूम के लिए पूछ सकते हैं, चाहे वो होटल 7 स्टार का ही क्यों ना हो। तो पानी पीने के लिए कभी नहीं शर्माना, जब भी प्यास लगे प्यास बुझाना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी को इससे भी अच्छे वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।